राजस्थान की वसुंधरा राजे का चुप रहना तूफान से पहले की शांति है? क्या महारानी कुछ बड़ा करने वाली है जिससे बीजेपी के होश उड़ जाएंगे? बीजेपी जिस चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद अपना रही है, उस सपने पर राजे पानी फेरने वाली है? क्योंकि नजारा तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बार बार वसुंधरा राजे यही संकेत दे रही है कि वो खेला करने वाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को किनारे करने की पूरी कोशिश की गई। इसके बाद जब सीएम फेस का भी ऐलान किया गया तब भी वसुंधरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। इन तमाम चीजों के वक्त राजेश शांत ना कुछ कह रही थी और ना कर रही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आने वाला है इसलिए राजे खुद ही बीजेपी को तेवर दिखाकर साइड कर रही है। बैठकों में वसुंधरा नहीं हो रही है शामिल। राजस्थान के जयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए शुक्रवार को एक बड़े होटल में भाजपा की पार्टी पदाधिकारियों और अन्य नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद रहे। सभी नेता मौजूद रहे लेकिन राजस्थान बीजेपी का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, जिसके बाद से इस पर सवाल उठने लगे क्योंकि ये बड़ी बात है। बैठक में वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति से सवाल उठने लगा कि क्या वसुंधरा पार्टी से नाराज है या फिर प्रदेश भाजपा में कोई गुटबाजी चल रही है, क्योंकि पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दो बैठक में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। हालांकि खबरें हैं कि इस बार वसुंधरा इसलिए शामिल नहीं हुई थी क्योंकि उनकी बहू बीमार है। वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में करेंगी खेला। अब वसुंधरा जिस तरह से बीजेपी को इग्नोर कर रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि सीएम ना बनाने की वजह से वो नाराज है और हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसलिए बीजेपी की बैठकों में ना जा रही है। और जिस तरह से सीएम नहीं बनाया गया उसके बाद वसुंधरा लोकसभा चुनाव में बगावती तेवर दिखा सकती है, अपने समर्थकों के साथ खेला कर सकती है, भाजपा में कोई गुटबाजी चल रही है, ये तमाम बातें चल रही है। लोकसभा में वसुंधरा कुछ अपना करे, पार्टी तोड़ दे और इन चीजों से बेशक सीएम मोदी चौंक सकते हैं। हालांकि सच में कुछ ऐसा होता भी है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बस एक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आम बैठक के अलावा पीएम मोदी की बैठकों में भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। अभी हाल ही में जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यालय में नव निर्वाचित विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2.5 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। सभी नेता रहे बस वसुंधरा नहीं, और क्योंकि वसुंधरा राजे की अपनी ताकत है इसलिए बीजेपी डर भी रही होगी। इसके अलावा जिस तरह से करनपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली उसके बाद से भी ये कहा जाने लगा कि ये वसुंधरा को साइड करने का ही नतीजा है जो बीजेपी करनपुर विधानसभा सीट से हार गई। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जनता ने राजस्थान बीजेपी को वसुंधरा की आस में जिताया, लेकिन मोदी ने वसुंधरा को हर जगह से साइड करके कमान भजन लाल को दे दी, जिसके बाद जनता ने इस चुनाव में हरा कर बीजेपी को जवाब दिया। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे क्यों साइड कर रही है बीजेपी को, क्यों पार्टी बैठकों में शामिल नहीं हो रही है, क्या लोकसभा चुनाव में कुछ खेला करने वाली? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।